Hello friends, I am Chanchan and today we discuss job description. Job description kya hoti hai? Job description is the collection of data through job analyze. मतलब कि जॉब एनालिसिस के थ्रू जो हम डेटे को कलेक्ट करते हैं, जितना भी डेटा हमारे पास है उसको कलेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाना. उस स्टेटमेंट में क्या होता है? ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. एक पर्टिकुलर जॉब की ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी एक स्टेटमेंट तैयार करना. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक रिटन फॉर्म में होता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. आपके जॉब के बारे में सब कुछ बताते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. आपकी जॉब के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स कम द यूसेस, मतलब ज़रूरत क्या होती है जॉब डिस्क्रिप्शन की. इसमें हम राइट पर्सन को चूज़ कर सकते हैं, जॉब की ग्रेडिंग कर सकते हैं, प्लेसमेंट के टाइम काम आता है, जब ओरिएंटेशन होता है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली है कंप्लीट ओरिएंटेशन के बारे में. उस टाइम में न्यू एम्प्लॉयज़ को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ बताने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन का काम आता है. अगर प्रमोट करना है या फिर हमें किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है उस टाइम ये काम आता है. कैरियर पाथ किसी एम्प्लॉय को बताना है उस टाइम ये काम आता है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एक चीज़ को बताता है. नाउ वी कम टू द कंटेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन कि उसके कंटेंट क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ हम उस पेपर के ऊपर लिखेंगे जॉब डिस्क्राइब करते हुए. सबसे पहला है जॉब टाइटल, टाइटल ऑफ द जॉब. कोड नंबर, हर एक डिपार्टमेंट का, डिवीज़न का, जहाँ पर वो लोकेटेड है उसका एक कोड नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करवाता है या फिर बताता है कि आपकी जॉब वहाँ पे है. तो ये क्या है, जो दूसरी जॉब से रिलेशन भी पता चल जाता है कि आपका दूसरी जॉब से क्या रिलेशन है. एक नंबर दिया होता है, इसको हम कहते हैं जॉब टाइटल. नेक्स्ट वन और सेकंड वन इज जॉब समरी. जॉब समरी मतलब जॉब लोकेशन है सेकंड. जॉब लोकेशन मतलब कि लोकेशन ऑफ योर जॉब, मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका काम है, कौन से डिपार्टमेंट में आपका काम है, आपकी जॉब कहाँ पे है, रियल में वर्क आपका क्या वर्क है, कहाँ पे आपकी जॉब, लाइक गुड़गांव में है, दिल्ली में है, ये भी जॉब लोकेशन में होता है. और कौन से डिपार्टमेंट, सेल्स में है, प्रमोशन डिपार्टमेंट में है, कौन से डिपार्टमेंट में है आपका काम है. नेक्स्ट वन इज जॉब समरी. समरी मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जो आपके, जो आप काम करोगे, जो आपका टास्क होगा उसके बारे में बताएगा. डिस्क्रिप्शन टू बी ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म, मतलब कि जो भी आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करोगे वो सब उसमें लिखी होती है. आपको क्या क्या काम करना है, हर एक टास्क आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो आपका लिखा हुआ होता है ड्यूटीज़ के अंदर. ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है और इसको बड़ी केयरफुली मतलब ध्यान से बनाना, प्रिपेयर करना होता है. नेक्स्ट वन इज़ टूल, मशीन, मटेरियल, कि किस टूल के साथ आपको काम करना है, मशीन क्या क्या है. लाइक हम अगर एग्जांपल ले अकाउंट्स का, तो आप कौन से सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक तरीके से टूल हो गया. और अगर हम इसी का ही फर्दर कोई एग्जांपल लेते, कहीं पे टैली कंपलसरी कर रखी है कि आपको टैली आनी चाहिए, तो ये क्या हुआ, टूल्स हो गई. कि आप जब जॉब डिस्क्राइब कर रहे हो उस टाइम पे हम ये स्पेसिफिक मेंशन करेंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर के साथ कर रहे हैं, आपको ये काम आना चाहिए. रिलेशन टू अदर जॉब, मतलब कि दूसरी जॉब के साथ आपका क्या रिलेशन है, ताकि आप अपने काम को अच्छे से समझ सको कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ सुपरविज़न. सुपरविज़न मतलब कि आपकी कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो अनस्किल्ड होती है, जिसको सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी होती है जिसको सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में काफ़ी स्किल्ड होती है. तो वो चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जॉब कैसी है, आपका जॉब का नेचर कैसा है, उस अकॉर्डिंग आपका सुपरविज़न कैसे होगा. अगर हाई लेवल पे वर्क कर रहे हो तो आपका कोई सुपरविज़न नहीं होगा, तो इस चीज़ को मेंशन करना कि आपका सुपरविज़न हाई होगा, लोअर होगा, अनस्किल्ड हो आप या स्किल्ड हो. वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, कंडीशन क्या क्या है जहाँ पर आप काम करोगे, सराउंडिंग कैसी है वहाँ की,
ये सब हमारा किस में आ जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में। हर एक का अलग अलग टाइटल बनाया जाता है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं। आपका रिलेशनशिप जो है, वर्किंग इन्वायरमेंट जो है, लाइक नॉर्मल कंडीशन है, आपको 8 घंटे काम करना है, 5 दिन काम करना है, ये सब आपका किस में लिखा होगा, वर्किंग इन्वायरमेंट में, वर्किंग कंडीशन में लिखा हुआ होगा। तो ये हमारा एक जॉब डिस्क्रिप्शन का है। जॉब डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल बताती हूँ मैं हर एक पॉइंट का। सबसे पहले आता है हमारा जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में आ जाएगा हमारा मैनेजर, या फिर हम ले लेते हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेटर। टाइटल के साथ साथ हमारा उसी में एक आता है जॉब टाइटल विथ कोड नंबर। कोड नंबर आप कुछ भी ले लेते हैं, लाइक हरियाणा का हो गया, दिल्ली का हो गया, वो अलग अलग का, हर एक का अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिपार्टमेंट, लोकेशन जिसकी बात हमने की थी, लोकेशन में आ गया हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है। डिपार्टमेंट में हमने लगा लिया एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न, ये हम स्पेसिफिक कर देंगे। नेक्स्ट वन आ गया हमारा जॉब समरी, मतलब हमें काम क्या करना है उसका एक छोटा सा पैराग्राफ आ गया। नेक्स्ट हमारा ड्यूटीज़ का आ गया, आपको काम क्या क्या करना है उसको हम पॉइंट्स में लिख देंगे। वर्किंग कंडीशन, सुपरविज़न, सुपरविज़न में जैसे आ गया आपको रिपोर्ट किससे करना है, एचआर मैनेजर हो आप, आपको डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है, आप के जो अपर लेवल पे है उसको रिपोर्ट करना है, तो ये सुपरविजन का ही पार्ट आ गया। रिलेशनशिप मतलब कि आप जो एचआर मैनेजर है उसका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन है, मतलब इम्प्लॉयज उसको सब जगह देने होंगे तो उसका कैसा रिलेशन है, फाइनेंस मैनेजर के साथ कैसा है, हर एक जो उसके साथ के लेवल है उसके साथ उसका कैसा मतलब रिलेशन कैसा है। नाउ वी कम टू द गाइडलाइंस, लिटिल बिट गाइडलाइंस, कि हमें हमारा जो है क्लियर कट होना चाहिए, कंसीव होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ वर्क परफॉर्म मे बी कॉटेज, मतलब कि क्या काम करना है वो सब लिखा होना चाहिए। एक क्लियर कट और काफ़ी क्लियरिटी से हमें ये चीज़ बनानी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ इनका एक डिफ्रेंशिएशन, एक छोटा सा पॉइंट आता है कि इनमें डिफरेंस क्या है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन में। जॉब एनालिसिस होता है स्टडी करना जॉब को, और इसमें क्या होता है हम जॉब एनालिसिस से निकाल के एक पेपर पे एक स्टेटमेंट तैयार करना कि जॉब का नेचर क्या है। वो जॉब एनालिसिस जो है ये एक प्रोसेस है, और जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन एक स्टेटमेंट है। जॉब एनालिसिस जो है वो क्या करता है, बेसिक ऑफ वेरियस एचआर फंक्शन बेस प्रोवाइड करता है एचआर फंक्शन के लिए, जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है, प्लेसमेंट हो, ओरिएंटेशन हो, ट्रेनिंग हो, उस टाइम काम आता है। सबसे पहले हमारा जॉब एनालिसिस बनता है, उसके बाद क्या बनता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कनेक्ट माई पेज। थैंक यू।